I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, Wonder Fam. So, after so many requests, मतलब इतना अरे रिचा रिचा का बाकी है आ हा 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 नहीं इसने आ हा नहीं ये मेरे को excitement है देखने की मेरे को already अभी दिमाग में है तो ज़्यादा मत फिरकीले हाँ समझा क्या सारे सोड़ा गई था हाँ तो यस इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट इतने ज्यादा रिकमेंडेशंस और इसमें इसके ओएसटी के लिए भी बहुत थे हमने किया नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स कॉपीराइट इश्यूज तो हमने कहा टीजर कर लेते पहले तो हम पहले टीजर पर रिएक्शन दे रहे हैं एंड जैसे कि सच्चा ने कहा ये लोग बोल रहे हैं इतने रिकमेंडेशंस आए पिछले आई थिंक 10 दिनों में जब से भी ये स्टार्ट हुआ है इट्स बीन लॉन्ग अब तो लेकिन डेली आ रहा है हम कहां के सच्चे थे एवरीबॉडी इज लाइक माहिरा मेड अ कमबैक प्लीज जल्दी रिएक्ट करो लाइक ओके गाइस डूइंग इट लाइफ में भी हमने ये कहा कि ठीक है करेंगे पक्का करेंगे हम इसके ओएसटी पे भी रिएक्शन देंगे एंड इसके टीजर्स पे भी रिएक्शन देंगे लेट्स सी ये कैसे जाने वाला है अगर ओएसटी आप नहीं देख रहे हैं थोड़े दिनों बाद मतलब ब्लॉक हो चुका है ठीक है लेट्स स्टार्ट गाइस हम कहां के सच्चे थे एंड टीजर्स 1-6 सब मैंने एडिट किया है मैं सर द यू हूं शतरंज की बिसात पर मैं बादशाह के प्यादा दो लड़कियों की जंग में मैं ये समझ नहीं सका अब जब तक समझ आई बसात उलट चुकी थी सच बोलो ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है मेरा नाम मेहरीन मंसूर है मैंने जिंदगी में सजाओं की जो फसल काटी वो मेरे माँ बाप ने बोई थी उसको काटते काटते मेरे हाथ कट गए ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है मेरा नाम मशल है मैं अपने नाम की तरह रोशनी चमकता है खूबसूरत और आग लगा देने वाली है ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है गलती हो गई मुझसे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है आप ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे हैं उस रात क्या हुआ ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है मेरा चेहरा मत पड़ा कर छूटा है मौत सदा नहीं है जिंदगी सदा है ड्रामा सीरियल हम कहां के सच्चे थे जल्द आ रहा है थ्रिलिंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके सबसे इंटरेस्टिंग सेकंड वाला था मुझे लगा जब वो बच्ची सेकंड था कि थर्ड सेकंड था
माय गॉड, काफी थ्रिलिंग होने वाला है ये. आई थिंक अनलाइक अदर ओएसटीज फिल्म हमने अभी तक देखे हैं, ये वन ऑफ द सबसे अलग थ्रिलिंग, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है बाकी सबसे. काफी माहिरा खान भाई, काफी डिफरेंट कुछ होने वाला है उनका रोल. एक्टिंग वो स्टार्टिंग के 20-25 सेकंड्स में था, मैंने नोट किया था जब वो लड़का रो रहा था, रोल मतलब वो उसके लिप्स कपा रहे थे वैसे. क्या एक्टिंग की है, मुझे बेस्ट लगा वो. दूसरी लड़की भी मस्त हो रही थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी, क्लोज अप शॉट था, रोने वाला ही. या यार ये होते टीजर्स भाई, ये होते टीजर्स जो है ना एकदम यहाँ पे छोड़ के जाते कि भाई अब क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग होने वाला है थ्रू आउट. इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला, सॉरी, ये इतना कंफ्यूजिंग था थ्रू आउट, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग. क्योंकि जब फर्स्ट देखा वी लाइक ओके कुछ हुआ है, सेकंड देखा ऐसा लग रहा है मतलब कितना ऐसे, वो जो सेकंड लीड लड़की थी उसके अंदर कितना ऐसा कंफ्यूजिंग था कि इज शी प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव. मुझे लग रहा है पहले कोई मर्डर या कुछ मर्डर लग रहा है, और फिर उसकी जो उन्होंने कहा था कि पेरेंट्स ने वो बीज बोए हैं, yes, इनको काटते काटते मेरे ही हाथ छिल गए, कट गए कुछ. आई थिंक समथिंग रिलेटेड, ये थ्रिल होने वाला है जो आई थिंक उनके माहिरा का ऐसा लगता है यू नो कुछ चाइल्डहुड से कुछ है, लाइक कुछ तो साइकोलॉजिकली हिट किया हुआ है कुछ वैसा. एंड वो वाला लाइन, मेरा चेहरा मत पड़ा कर झूठी हूँ, मतलब बॉम्ब था ये पूरे. इसकी लाइंस इतनी अच्छी थी, मुझे लास्ट की लाइन बहुत मस्त लगी, लास्ट वाली जिंदगी सजा है. हाँ, मौत सजा नहीं है, जिंदगी सजा है. नहीं, डीप लाइन थी यार, बहुत ज्यादा डीप थी ये पूरा सीरीज. यार मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा, क्योंकि हर किसी में लव स्टोरी, नोक जोक, मस्ती मजा, किटपिट वाली रहती है, इसमें थ्रिलिंग है यार, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग. एंड कोई देखा नहीं ना, एक भी नहीं देखा जो थ्रिलर हो. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि एंड इतना सॉरी नहीं इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका. एंड हमेशा आई थिंक सब अग्री करेंगे कि थ्रिल के अंदर जो मजा आता है ना वो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है. मेरा फेवरेट जॉनर है थ्रिल, बहुत ज्यादा. माय गॉड, मेरे पता है रिसेंटली हमने दो साउथ की थ्रिल मूवीज देखी, हॉरर मूवी नहीं डरा सकते इतना तो. साउथ की मूवीज रुचा, वो थ्रिल नहीं था एंडिंग में, हम ऐसे थे क्योंकि साउथ का मजाक बहुत उड़ाया जाता है, बट साउथ कॉन्सेप्ट अच्छे लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा, बहुत अच्छा टॉलीवुड है, टॉलीवुड हमारे यहाँ पे टॉलीवुड जिसको ओके यस टॉलीवुड. लेकिन आपके इधर क्या लॉलीवुड है, उनका लॉलीवुड है, हमारा टॉलीवुड बॉलीवुड और कौन सा है, और नहीं है राइट. हाँ यहाँ पे दो ही है, बिहार का कुछ नहीं है, नहीं सुना नहीं है यार, होगा भी तो हमें पता नहीं है. हाँ, बैक टू द टॉपिक, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लेके आई, लेकिन एक्टिंग इनकी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है माहिरा. लाइक अ कमबैक, एकदम प्रॉपर कमबैक होगा ये, कि यू नो एक जनरल रोल में नहीं है, इसमें बहुत ही यूनिक रोल है, और वो एक्टिंग में पूरा सूट कर रहा है, जो मेंटली थोड़ा अफेक्ट हो रखा है, वही वो क्या था, अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है, लेकिन अचानक से नेक्स्ट सीजन में वो देखना वो करके जाने जो बोली थी, वो ऐसा लगे खुद पॉजिटिव बनवाई, क्योंकि पूरे टाइम उन्हें उनका जो लुक है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही यू नो वैसे टाइप का दिया हुआ, एंड देन वो ऐसा रोल प्ले कर रही है उसमें. ऊपर से एंडिंग में जो मेल लीड है उनको भी हंसते हुए दिखा दिया, आई थिंक वो तो सपना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा था वो देखा था एंडिंग में, नोटिस किया फर्स्ट बेड पे बैठते हैं वो हंसे, वो भी ऐसा लगा था फर्स्ट में, तो वही बोल रहे थे कि शतरंज और सब, आई थिंक वो सबका प्रोमिनेंट रोल होगा बहुत ज्यादा इन तीनों का ही. हम अपनी खिचड़ी पका रहे हैं इधर, बट इसमें इन तीनों को और वो बच्चे को छोड़कर कोई नहीं था पूरे सारे टीजर्स में. बच्चे की क्या एक्टिंग थी, वो एग्जैक्टली मैच कर रही थी माहिरा की एक्टिंग से, दोनों एकदम सेम लुक दे रहे हैं. बच्चे की कास्टिंग में बहुत सुंदर थी, एंड में एक लड़के का एक सीन था जो वो खुद को थप्पड़ मारता है. काफी कुछ होने वाला है इसमें, लाइक लिटरली काफी कुछ होने वाला है, एंड इसके दो ही एपिसोड आए हैं अब तक, कैचअप करना है तो नॉट लेट, कैचअप करना तो है. एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, कितने एपिसोड्स होने वाले बाय द वे, 30 प्रोबेबली, तो 30 होने वाले, देन वी कैन ट्राई, लेकिन हम रिएक्शन नहीं दे सकते, रिएक्शन नहीं होंगे, बट यस वी विल वॉच, वी कैन वॉच, इट्स लाइक वीक में एक. अभी लोग आके बोलेंगे फेसबुक पे करो, फेसबुक पे नहीं कर सकते.
फेसबुक एक्चुअली हम यूज भी नहीं करते, यूज भी नहीं करते, एंड फेसबुक में काफी वो इंस्टा वाले सीन हो जाते हैं, सिंक करके आपस में रिकमेंडेशंस बता देते हैं, एंड हम लोग फ्रेंडली भी नहीं है फेसबुक से, तो हम फेसबुक पर कर लेंगे। यस राइट नाउ एक प्लेटफॉर्म और हम लोग उसमें ही काफी कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं वैसे है, क्योंकि अगर इवन अगर हम फेसबुक स्टार्ट भी करते हैं कभी ना कभी तो भी आई थिंक वो अटेंशन सेम दोनों प्लेटफॉर्म पे देना विल गेट डिफिकल्ट, तो इसलिए हमने फेसबुक कभी सोचा भी नहीं है। तो हाँ यूट्यूब इज द कंसिस्टेंट वन, फ्यूचर जब हम एक्चुअली थोड़े से सिल्वर प्ले रखेंगे, इंटर्न रखेंगे, बोलेंगे वीडियो एडिट, अभी फिलहाल मेरी इंटर्न है दोनों, ठीक है बाल पहले भाग लो मेरे बाल, ठीक है गाइस थैंक यू आई थिंक What the hype? क्योंकि ये concept is really nice. काफी लोगों ने comments किए थे पता है क्या कि अपन जो दूसरे OSTs पे reaction दे रहे थे काफी लोग गुस्सा भी हो गए थे, काफी लोगों ने बहुत प्यार से comment किया था कि you should check this and एक और एक दो OSTs के नाम और थे क्योंकि इनके concepts बहुत different है बाकी सबसे, and I would completely agreed एकदम, नो मैटर हाउ मच वी लव लव स्टोरीज, हमें बहुत पसंद है लव स्टोरीज, हम बहुत खुश होते हैं देख के, लेकिन दिस इज समथिंग के ऊपर देयर इज नथिंग एंड थ्रिल थ्रिल वो जो मजा देता है क्योंकि किक देता है वही थ्रिल हर बार अलग देता है यार, किक देता है मैडम को, थ्रिल का हर बार कितना चैलेंजिंग होता है थ्रिलर बनाना कि यू नो लव स्टोरी का बहुत ही एक बेसिक स्टोरी चलेगा, तीन चार टाइप के एंडिंग्स पॉसिबल है वही वो भी हम अज्यूम करते हैं वही, और उनमें से एक ना एक सच निकल भी जाता है क्योंकि तो तुम लोग छोड़ते नहीं हो कुछ यार, तुम लोग हर जगह घुस जाते हो तो बचेगा क्या, बट ये थ्रिलर्स कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वो भी हो सकता है कुछ भी, बट थ्रिल का सिर्फ एक ही वर्स्ट पार्ट है, एक ऐसा बंदा होगा जो आगे स्पॉइलर दे देगा और पूरा सीरीज खत्म, मुझे इसलिए पता है ये एक रीजन ऐसा हो सकता है कि मेरे को ये अभी नहीं देखना, ये मैं तोड़ तोड़ के नहीं देख सकती, जो देखना एक साथ देखना है वरना फ्लो चला जाता है, ट्रू ट्रू ट्रू, वैसे भी हम एक एक देख नहीं सकते, सो एनीवेज गाइस इट वाज लवली एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये रेकमेंड किया ठीक है, बहुत खुश हो गए देख के, मजा आ गया भाई, करेंगे हम लोग OST पे भी ओके, जल्दी थैंक यू गाइस, टेक केयर।